ठीक है, अब चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। अपने को सेट दे रखा है 1 2 3 फाइंड ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बस, बल्कि कहें तो उससे भी इजी है। तो अब उनको ए टू ए बनाना है, यानी 1, 2, 3 टू 1, 2, 3। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, एक पैटर्न पकड़ लेते हैं और उस हिसाब से ऑल 1 1 फंक्शन बना दे रहे हैं। बस ये ना भूलें कि 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी दो एक्स के लिए अपना सेम वाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। पहले अपने ले लिया 1, 2, 3। सामने सामने ले लिया। ठीक है, देखो हर किसी के लिए अपना जो वाई है डिफरेंट है। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि सेम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। तो वो अपना 1 1 फंक्शन होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 1 1 ही रहने देता हूँ पहला वाला, और इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। तो ऐसे बनाते चलोगे ना एक पैटर्न से, तो कभी तुम्हारा एग्जाम में भी गलत नहीं होगा। ये क्या हो गया, ये 3 है, 3। ठीक है, इग्नोर करो इसे, 3, 2। और चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1 कॉमा लिया था तो 1, 2 ले लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2, 1, और ये हो जाएगा अपना 3, 3। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पहला वाला सेट अपना 1, 2 ही रहने देते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये 2, 2 तो यहीं पे रहेगा ना, ये 2, 3 हो जाएगा, और ये अब 3, 1 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना क्या हो जाएगा, ये 1, 3 ले लेते हैं इसको, और ये अपना हो जाएगा 2, 1, और ये हो जाएगा अपना 3, 2। ठीक है, और आगे देखते हैं। अपने इसको 1, 3 रहने देते हैं और बस इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो अभी कितना हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा अपना, और ये अपना हो जाएगा 3, 1। ठीक है, तो ये अपने सारे 1 1 फंक्शन बन गए। इतने 1 1 फंक्शन बनेंगे, बना के देख लो।